हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मछली करी बनाएंगे और उसके लिए मछली को अच्छे से धो के और उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, उससे अच्छे से मिला लेंगे हल्दी पाउडर भी और उसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। हल्दी पाउडर और नमक को अच्छे से मिला लेंगे मछली में। नमक हल्दी को अच्छे से मिलाएंगे पूरा सारे मछलियों में और उसे रख देंगे थोड़ा देर के लिए और तल लेंगे हम लोग सारे मछली, फ्राई कर लेंगे। ऐसे दोनों तरफ से मछलियाँ फ्राई करेंगे, एक एक करके हम कलर देंगे सारे मछलियों को। फ्राई होने तक छोड़ देंगे हम लोग इसे, हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे मछलियों को और हम लोग फ्राई होने के बाद सारा मछली निकाल लेंगे। फिर निकाल लेंगे ऐसे ही हम लोग सारे मछलियों को फ्राई कर लेंगे, करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम लोग मसालों की तैयारी करते हैं सारे में। ये कुछ मसाले हैं मछली करी में देने के लिए और ये है कुछ गरम मसाले, उससे हमें पीस लेते हैं अच्छे से सिलबट्टे में। पीस के तैयार कर लेते हैं अच्छे से इसे। बिना पीसे भी दे सकते हैं आप लोग, मैं इसे पीस करके दे देती हूँ सही। और भी तेल डाल देंगे थोड़ा, प्याज इसमें फ्राई करने के लिए दे देंगे थोड़ा, थोड़े से प्याज से फ्राई होने तक छोड़ देंगे। प्याज भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक। और उसमें कुछ मसाले डालेंगे हम लोग, पेस्ट बना के रखे थे जो ओला डालेंगे थोड़ा, फिर भी थोड़ा पका लेंगे हम लोग अच्छे से, थोड़ा पका लेंगे फिर जला देंगे। फिर चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, मैं तो नीचे बैठ जाएगा उसका मसाला, फिर सुनूंगा जी। एक थोड़े से टमाटर मैंने पेस्ट बना के रख लिए थे, ये कुछ गरम मसाले हैं पीस के। और पेस्ट थोड़ा पकने के बाद टमाटर का पेस्ट भी डालेंगे, उससे भी चला लेंगे अच्छे से। फिर कुछ ये सूखे मसाले हैं धनिया, उसे डाल देंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है उसे डाल देंगे थोड़ा। और गरम मसाले का पेस्ट जो मैंने सिलबट्टे में पीस के रखी थी वो वाला गरम मसाला। थोड़ा सा नमक भी दे देंगे स्वाद अनुसार। सारे मसाले को देखेंगे, इसे जला लेंगे अच्छी तरह से।
उसे भी पकने तक छोड़ देंगे, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये हमने गरम मसाले का पेस्ट डाल दिए, उसे भी मिला लेंगे अच्छे से, उसे भी थोड़ा पका लेंगे अच्छे से। ये हमारा पक गया मसाले, थोड़ा सा चला लेंगे हम लोग। फिर हम लोग पानी डालेंगे इसमें, पानी थोड़ा डालेंगे, उसे भी जला लेंगे थोड़ा सा अच्छे से, पानी को मिला लेंगे उसमें। फिर कुछ फ्राई किए मछलियाँ उसमें हम लोग डाल देंगे पानी मसालों के अंदर डाल देंगे हम लोग ऐसे करके मछलियों को। फिर थोड़ा देर ही हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे, पक जाएगा तो पक जाएगी। एक हो गया हम लोग का धनिया पत्ता, उसमें कुछ डाल देंगे। हम लोग का मछली करी रेडी हो गया, इसे अब हम लोग खा सकते हैं। हम लोग का रेडी मछली करी।